अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाज़िर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं एक और अप्लायंस लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो हर घर में आजकल एक अच्छा ज़रूरत बन चुकी है। काफ़ी लोगों के घर में है भी है और कई लोगों के घर में नहीं है, ख़ासतौर पर साउथ एशियन के घरों में, जो जनूबी एशिया के लोग हैं उनके घरों में, यूरोपियन तो हर घर में ये तकरीबन होता ही है, लेकिन यहाँ भी अब ट्रेंड काफ़ी आ चुका है। यूट्यूब से वीडियोस लोगों ने देख देख के और बेकिंग की जो वीडियोस हैं लोगों ने देख देख के काफ़ी लोगों को शौक पैदा हो चुका है इस चीज़ का। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत एक अहम प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, तो आप इसे ज़रा गौर से देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी आपको मुफीद बातें पता चलेंगी और आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगी। तो मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शो करूँगा, अपने तजर्बा बताऊँगा कि मैंने काफ़ी इसे इस्तेमाल किया है, मैंने 3-4 साल इसे इस्तेमाल करके देखा है, तो उसके बाद ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपको किसी और वीडियो में किसी ने ना बताई हो, उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में, हमारी साउथ एशियन लैंग्वेज में। तो दोस्तों मैं आज आपको जो टोस्टर ओवन है ठीक है उसके अंदर बताऊँगा कि हमने कैसे बेकिंग करनी है और उसके यूजेस बताऊँगा, उसकी रिव्यू बताऊँगा, क्वालिटी बताऊँगा, और जो अगर आपने इसे लेना है यानी जो बजट वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं या पावर्टी में थोड़े से लोग होते हैं ठीक है, वो बेचारे तवे पे और मुख्तलिफ किस्म की कुकिंग करते हैं कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर भी बेकिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। तो ये एक चीप प्रोडक्ट है और इसमें हम वो सारे काम कर सकते हैं जो बेकिंग में हम करते हैं अच्छे ओवन में या अच्छे कुकिंग रेंज में। तो दोस्तों मैं आज आपको एक टोस्टर ओवन का रिव्यू, जूस और इसके चीज़ें बताऊंगा हमने उसे कैसे इस्तेमाल करना है डिटेल के साथ, और आने वाली वीडियो में इसकी इसके अंदर मैं आपको रेसिपीज भी बताऊंगा, तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलें दोस्तों शुरू करते हैं, टोस्टर ओवन को कैसे इस्तेमाल करना है और उसमें क्या क्या एहतियातें हैं, हमने कौन सी सेटिंग किस चीज़ के ऊपर रखी है, चलें दोस्तों शुरू करते हैं। टोस्टर ओवन अप्लाइंस के लिए मैंने दोस्तों सारी आप लोगों के लिए सेटिंग करके यहाँ रखी हुई है ठीक है, इसमें हमने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी क्या नहीं करनी है देखिए। दोस्तों ये मिड जो है हमारा अमाउंट वाला एक टोस्टर ओवन है ठीक है, मैंने इसके अंदर आपको कुछ कुकिंग करके भी दिखाई थी पिछली एक दो वीडियो में, तो आज इसका मैं आपको डिटेल रिव्यू करूँगा। मैं एक सादी और नॉर्मल जो बेकिंग होती है या कुकिंग होती है इसमें करता हूँ, तो ये बहुत ही एक सिंपल और सादा ओवन है हमारा टोस्टर ओवन है। तो टोस्टर का मतलब होता है जी, अगर आपने कोई ब्रेड वगैरह या किसी भी चीज़ को ब्रॉयल करना है या ग्रिल करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी नॉर्मल जो बेकिंग होती है वो भी कर सकते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। कन्वेक्शन ओवन और टोस्टर ओवन में जो मेन फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा कन्वेक्शन ओवन है वो सेम होता है, उसके अंदर एक फैन लगा होता है, साइड इस साइड पर होता है या इस साइड पर होता है या पीछे होता है, एक फैन लगा होता है, फंक्शन सारे ये वही करता है टोस्टर ओवन वाले, लेकिन कन्वेक्शन ओवन में फैन लगा होता है जो यूनिफॉर्म कुकिंग करता है, यानी अगर आपने बिस्किट्स केक वगैरह बनाना है तो एक जैसे हर जगह से ब्राउन होगा, और ये भी वैसे ब्राउन करता है लेकिन ये कुछ साइड से ब्राउन कर लेता है, कुछ साइड से छोड़ देता होता है ठीक है, क्योंकि इसका हीटिंग जो एलिमेंट है मखसूस लगा होता है, जैसे ये एक हीटिंग एलिमेंट इसका लगा हुआ है ये ऊपर और ये एक नीचे है। तो ये वेस्ट पॉइंट का है हमारा बजट जो है टोस्टर ओवन है, तो मैंने ये 3-4 साल पहले ख़रीदा था 3000 का, पता नहीं 3500 का, तो आजकल जो इसके मार्केट में प्राइस होगी 4000 से 5000 के दरमियान ही होगी ठीक है, तो आप इसे सिंपल बेकिंग के लिए ले सकते हैं ठीक है। अगर आपके थोड़े से पैसे ज़्यादा है तो आप कन्वेक्शन ओवन ले लीजिएगा जिसके अंदर फ़ैन भी होता है, तो ये विदाउट फ़ैन है, और 200 इसमें इसकी जो जो वोल्ट है वो 220 से 240 वोल्ट के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है, और ये 800 वाट का है, यानी दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं ठीक है, 400 वाट के होंगे ठीक है, एक ऊपर एक नीचे ठीक है, ये 800 वाट का है, और मैं इसे थोड़ा कम इस्तेमाल इस वजह से करता हूँ, इलेक्ट्रिकल ओवन की मैं आपको सजेस्ट इस तरह से नहीं देता कि कुछ कुकिंग बेकिंग होती है हम चूल्हे पर ही कर लेते हैं,
क्योंकि ये इस्तेमाल करने से बेल बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें हीट एलिमेंट्स हैं नीचे और ऊपर भी, तो इसका जो जो हमारा बिजली का बिल है तो ये थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो इसे आप गाहे बगाहे इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है या एक पॉवर्टी वाले फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसे मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि आपके बिजली का जो बिल है ज़्यादा ना आए, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट हैं तो हीटिंग जब हीट प्रोड्यूस होती तो एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, सफिशेंट नहीं होते। तो दोस्तों इसके साथ जो अवेलेबल है ये देखिए, इस तरह एक जेली स्टैंड आता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ सेटिंग पे आप कर सकते हैं, ये देखिए एक सेटिंग ये है इसकी, ये सबसे नीचे वाली है, ठीक है, और ये सबसे ऊपर वाली है, ठीक है। फिर इससे ऊपर एक और ये वाली, ठीक है, देख रहे हैं आप दोस्तों। ये जो टॉप के ऊपर आपकी सेटिंग है, ठीक है, जो टॉप सेटिंग है तो उसके ऊपर तो आप कुछ ना ही रखें तो बेहतर है। तो ये जो दरमियान वाली आपकी सेटिंग है ये बेस्ट है, ठीक है। ये इसके सर जेली स्टैंड है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये स्टैंड है। और इसके साथ ये एक ट्रे है, बेकिंग ट्रे, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ आपने टॉस करनी है तो आप इसमें रख सकते हैं। ये फोर स्लाइस वाला ब्रेड वाला हमारा टोस्टो वाला, तो आप इसमें चार स्लाइस रख कर बड़ी आसानी के साथ टोस्ट कर सकते हैं या पिज़्ज़ा वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा इसमें रख के 8 इंच का, ठीक है, तो आप आसानी के साथ इसमें बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि आपने कुछ भी कुकिंग करनी है तो कोशिश करें पिज़्ज़ा वगैरह या रोटी या टोस्ट आपने करना है दरमियान में रख लें। तो फर्स्ट करें कि आपने केक वगैरह करना है तो फिर वो आप सबसे नीचे पर रखते हैं यहाँ पर, यानी 8 इंच का जो हमारा पैन होगा उसके अंदर आप केक वगैरह या कोई आपने छोटी कप केक रखने हैं तो उसके अंदर यानी सबसे लास्ट में ये रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी सेटिंग में रखा है, नज़र आ रहा होगा आपको आसानी के साथ। दोस्तों ये तो ये होगी इसके बर्तन। अब जो ये वाला मॉडल है इसके साथ इन्होंने ये टॉप बेकिंग के लिए भी कुछ रखा हुआ है, ठीक है। खास करें कि हमने कोई अंडा वगैरह बनाना है, ऑमलेट बनाना है, यानी हमने डुअल काम करना है, हमने बीच में केक पेस्ट बेकिंग के लिए भी रखा हुआ। अगर आपने अंडा वगैरह बनाना है तो आप इसके ऊपर डाल के बना सकते हैं ट्रे के अंदर। तो दोस्तों ये साथ आपने ये रखी, आपके ऊपर हाथ नहीं लगाना, ये बहुत ही हॉट और गर्म होता है, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी आप रख के गर्म कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो इसमें चीज़ें जाएंगी जो हमने इसमें जो मेन एहतियातें करनी है, ये टोस्टर ओवन डिज़ाइन है, मेटल्स के लिए, सिरामिक्स के लिए और शीशे के लिए, ठीक है। जैसे ये हमारा मेटल है और जो हमने एहतियात रखनी है, हमने इसमें ये वाला बर्तन नहीं रखना प्लास्टिक का, जैसे हम माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं, अगर हम ये रखेंगे तो पूरा आपका ओवन ख़राब हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों का नहीं पता। तो ये टोस्टर ओवन है, ये इसके लिए डिज़ाइन नहीं है प्लास्टिक के लिए, और आपने इस किस्म की प्लेटें भी नहीं रखनी, ठीक है। अवल तो ये बीच में आई है थोड़ी बड़ी, इससे छोटी इस किस्म की जो प्लेटें होती है डिनर सेट वाली, आपने ये नहीं रखनी इसके अंदर। और जो आपने अब इसमें अब इस्तेमाल करनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अवल तो इसके साथ बेकिंग ट्रे ये होती है, आपने ये यूज़ करनी है। इस किस्म का जो आपने हीट रेजिस्टेंस वाला बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे करके, अगर आपने कोई केक बनाना है या कैसरोल बनाना है या कोई भी सालन पकाना है, ठीक है, या कोई रोस्ट करना है, आप ये वाली शीशे के हीट प्रूफ वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों माइक्रोवेव ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टोस्टर ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कन्वेक्शन ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म के आप जो है ये हीट प्रूफ पैन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट इस किस्म के जो बर्तन है स्टेनलेस स्टील के, आप इजीली इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं, इस तरह रख के कुछ भी कर सकते हैं इस तरह करके। और नेक्स्ट जो हमारा ये प्लेट है, तो ये भी आप इसमें पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ भी आप बेकिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप ये डिज़ाइन है मेटल्स के लिए और सिरामिक्स के लिए और शीशे के जो हीट प्रूफ पैन हमारे होते हैं ये वाले, तो इसके लिए डिज़ाइन है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो इसमें आप
ये सेरामिक भी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके। अगर आपने 15-20 मिनट्स वाली या 10 मिनट्स वाली कोई भी चीज़ आपने बेक करनी है तो इसके इसमें भी ये वाला पैन भी, ये वाले कप वगैरह या जो चीनी बर्तन होते हैं ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ये ना ही रखें तो बेहतर है, लेकिन ये आप रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारा जो अहम चीज़ें इसके अंदर है, एक रॉड ऊपर है एलिमेंट का, एक रॉड नीचे जैसे ये, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कम बजट वाले लोग हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स हैं, बिजी हैं, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, अपार्टमेंट के लिए, अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। जो ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, छोटी मोटी बेकिंग के लिए, उनके लिए बेस्ट है। तो इसमें जो हमने अब एहतियात रखना है, खास करके हमने पिज़्ज़ा बेक करना है, तो पिज़्ज़ा बेक के लिए हमने इसे, मैंने जैसे मैंने अभी सेटिंग की है, आपने इस तरह रखी है, ठीक है। पिज़्ज़ा या अगर आपने सिंपल छोटा सा केक बनाना है, यानी फर्स्ट करें आपका केक इसमें तरह रखना है, ठीक हो गया। तो आपने फिर इस तरह इसे बंद कर लेना है। अब मैं आऊँगा इसमें जो हमारा हीट सेटिंग एक इस तरह है, ठीक है। अभी फर्स्ट करें जी, हमने 8 इंच का पैन हमारा या एक कप केक वगैरह हमने इसे बेक करना है, तो हमने क्या करना है, ये हमारी सेटिंग है, ये तकरीबन हर टोस्टर ओवन में सेम ही है, ठीक है। कई जो टोस्टर ओवन के प्रोडक्ट्स में एक फैन रोटेटर भी होता है, ठीक है, सिलेक्टर स्विच भी होता है, वो अलग से होता है, ठीक है। आप उसका फ़ैन बटन होता है, बटन से आप फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं। फ़ैन का यही होता है कि यक्सा जो हीट है ट्रांसफ़र करती है। तो अब मैंने आपको बताया था कि दरमियान में आप दरमियान में रख लें या दरमियान से नीचे वाली में रख लें। तो 8 इंच का अगर फर्ज करें आपका पैन है, उसके अंदर आपका केक है, तो आपने इसे दोनों को ऑन करना है। ये देखेंगे ऊपर वाला हीटिंग एलिमेंट है और ये नीचे वाला, और ये दोनों वाला, ये ऊपर वाला भी नीचे वाला, आपने ऊपर वाला नीचे वाला दोनों हीटिंग एलिमेंट ऑन करके हार्डली 25 से 30 मिनट में केक हमारा बेक हो जाता है। आपने दोनों नीचे वाले ऑन करके, आपका जब केक ऊपर से टॉप ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसे नीचे वाला ऑन कर देना, ठीक है। पहले दोनों करने, फिर जब ऊपर टॉप आपको नज़र आ रहा होगा शीशे से, ऊपर से केक हमारा ब्राउन हो गया, आपने इसे सिंगल पे कर देना है, नीचे वाला ऑन कर देना है, और आपका 25-30 मिनट में बहुत अच्छा केक बेक हो जाएगा। और फर्स्ट करें जी, आपने पिज़्ज़ा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह के पैन के अंदर, ठीक है, पिज़्ज़ा रखा हुआ है आपने, तो आपका पिज़्ज़ा 12 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो उसके लिए आपने फिर दोनों पे रखना है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो रहा है, क्योंकि ये टोस्टर ओवन है, ये कन्वेक्शनल ओवन है, इसमें हीटिंग फैन नहीं है, तो आपने क्या करना है, पहले दोनों पे ऑन करना है, जैसे ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो फिर आपने सिंपल नीचे वाला कर देना है एलिमेंट ऑन, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। इसमें 3 सेटिंग है इस ओवन में, टोस्ट ओवन में, ये ऑफ पर है, इस ये ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपने टॉप से अगर कोई चीज़ ब्राउन करनी है, ब्रॉयलिंग करनी है या ग्रिल करनी है, तो आपने सबसे ऊपर वाला रखना है, और अगर आपने नीचे से ब्राउन करना है, ठीक है, तो ब्रेड का पीस आपका नीचे से करना है या कुछ भी आपने पिज़्ज़ा वगैरह नीचे से ब्राउन करना है, फिर आपने नीचे से वाली सेटिंग कर देनी है, ये नीचे वाला हीटर ऑन हो जाएगा। फिर अगर आपने दोनों साइडों से करना है तो फिर आपने दोनों पे रख देना है। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कुक करनी है, लाइक चिकन रोस्ट हो गया आपका, ठीक है, या गोश्त वगैरह हो गया, ठीक है, वो तकरीबन 40 से 45 मिनट में या घंटे में हमारा हो जाता है। इवन देन आलू की चिप्स भी है, ठीक है, तो आपने दरमियान के सेटिंग पे करके तो आपने दोनों ऑन कर लेने हैं, यानी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ठीक है। तो फिर आपने इसे कुक करना है, यानी फुल हाई, ऊपर नीचे वाले एलिमेंट के साथ भी, नीचे वाले भी एलिमेंट के साथ, वो एक घंटे में 45 मिनट में आपका वो चिकन, मीट, मटन वगैरह जो भी आप रोस्ट करें वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैंने पर्सनली खुद काफ़ी दफ़ा बनाया है, ठीक है, मैं आने वाली वीडियो में मैं भी आपको एक एक वीडियो सबकी बना के इसमें दिखाऊंगा टोस्टर ओवन में हम कैसे बेकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, आप जब भी मार्केट में जाएं तो कोशिश करें थोड़े से पैसे 500 या 1000 रुपये डाल के ज़्यादा आप फैन वाला टोस्टर ओवन लीजिएगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी यूनिफॉर्म कुकिंग होती है, यानी एक हर जगह से वो एक जैसे ही पकती है। इसमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से ब्राउन हो रहा है, तो हमने कौन सा सिलेक्टर स्विच कहाँ पर कर देना है।
ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शंस हैं टाइमर की है, ठीक है, जो हमारा बिस्किट वगैरह है वो तकरीबन 15, ये देखिए ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, ये तकरीबन 1 घंटे का टाइमर है हमारा, ये 1 घंटे का टाइमर है। तो हमारे जो ये इसमें एक साउंड भी आती है, जैसे बेक होगा तो ये इस तरह की साउंड आएगी, जैसे अभी आई थी। आपके बिस्किट हैं तो आपने 15 के ऊपर इसे रख कर ऊपर नीचे वाला जैसे मैंने बताया ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ब्राउन ज़्यादा है तो फिर आपने सिंपल नीचे वाला कर देना है, ठीक है। ये आपने मैनुअली अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना है, शीशे में से आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि आप कहाँ से ज़्यादा ब्राउन हो रहा है, जल रहा है, तो आपने उस हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। तो मैं बता रहा था कि बिस्किट्स वगैरह जो पिज़्ज़ा वगैरह है तो वो 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बेक हो जाते हैं टोस्ट ओवन में। ये मतलब आपने टोस्ट करना तो आपने 10 मिनट्स पे रखना है, ये 10 मिनट्स हैं यहाँ पे। और जो हमारा 8 इंच पैन वाला केक है तकरीबन वो 25 से 30 मिनट में हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इसमें कोई आलू के चिप्स रोस्ट कर रहे हैं, कोई मटन कर रहे हैं, कोई चिकन कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए फिर हमें इसे फुल पे रखना पड़ना है तकरीबन 1 घंटा, दोनों ऑन करके, ठीक है, 1 घंटे पे हमें रखना पड़ना है। फिर पास करेंगे हमारा चिकन ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो रहा है तो फिर हमें इसे सिंपल सिंगल नीचे वाला कर देना है या ऊपर वाला जहाँ से आपको कसर उसकी लगेगी तो आपने उसे सेट कर लेना है। तो इवन देन चिकन के लिए और जो है मटन वगैरह के लिए तो आपने दोनों ऑन करके हाई के ऊपर ही इसे करना है तकरीबन 1 घंटे, 45 से 60 घंटे, 60 मिनट में हमारे बड़े अच्छे से कुकिंग हो जाएगी इसमें। दोस्तों अब इसकी एहतियात जो है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दी है हमने इसमें किस किस्म के बर्तन रखने हैं। जो इसकी मेन एहतियात है मैं आपको बताने लगूँ, ये आपने जब भी यूज़ करना है आपने देखना है आपकी कोई तार वगैरह नंगी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका करंट जानलेवा है, ये बहुत ख़तरनाक होता है इसका करंट, ठीक है। तार आपकी कोई मेल्ट तो नहीं, कहीं से पिघली तो नहीं हुई, ठीक है। और आपने जो 7/41, 7/29 जो मेन मोटी वायरिंग होती है उसके अंदर यूज़ करना है, आपने सिंगल जो कोर वाली तार के ऊपर यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी वायरिंग भी उड़ जाएगी, ये ओन भी डैमेज होगा। और ये सारा इसका स्टील का है, ठीक है, आपने एहतियात करना है कि आपकी शॉक तो नहीं है, ठीक है, इसे इस्तेमाल करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ओवन है तो इसका 800 वाट का है, ठीक है, ये 1500 वाट का भी अवेलेबल है, 2000 वाट का भी है और 3000 वाट का भी है, 1000 वाट का भी है। तो 800 वाट का मतलब ये था कि बहुत ही हाई डेंजरस किस्म का जानलेवा से आपको शॉर्ट करंट वगैरह बन सकता है, आपने इसे एहतियात से ही इस्तेमाल करना है। एक तो ये होगी इसकी सेटिंग, और यह जब आप इसमें कोई भी चीज़ देखेंगे तो ये बहुत हॉट होती है, आपने ग्लव्स पहन लेना है या पोना लेना है या कपड़ा वगैरह लेकर फिर उससे आपने ये चीज़ निकालनी है इसे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मैं इस ओवन के अंदर, टोस्टर ओवन के अंदर आपको केक, पिज़्ज़ा और मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे बिस्किट्स वगैरह बनाना सिखाऊंगा। मैंने कुछ सिखाए भी हैं पीछे एक दो वीडियो में, तो मैं आने वाली वीडियो में आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, पुडिंग वगैरह भी बताऊंगा। इसमें बहुत अच्छी बेकिंग होती है, मैंने करके देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। बस मैंने जो आपको प्रिकॉशंस बताया है, ठीक है, ये हॉट होता है इसे निकालने में एहतियात करें, और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप पैन वाला लें, ठीक है, 500 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम 1500 बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो आप पैन वाला लीजिएगा, ठीक है, वो कन्वेक्शनल ओवन होगा। और इसमें एक और सेटिंग नहीं है, वो भी आपने देखनी जब भी आपने खरीदना है। इसमें तकरीबन 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसका अंदर से, ठीक है, तो इसमें कोई सेटिंग नहीं है जिससे हम कम कर सकें, यानी अगर हमें 160 रिक्वायर्ड है, 180 रिक्वायर्ड है, इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है। तो हमने कोशिश करनी है वो सेलेक्टर स्विच वाला जो हमने लेना है जिसके अंदर हीट सेटिंग भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप हीट सेटिंग कर सकते हैं। यानी अगर आपने बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह करने हैं, पिज़्ज़ा वगैरह करने हैं, वो 160 से 200 सेंटीग्रेड के अंदर हमारी ये बेकिंग होती है, तो आप कोशिश करें वो सेलेक्टर स्विच वाला भी लें जिसमें हीट हम ईज़िली सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा टोस्टर ओवन का, मैं आपको इसमें कुकिंग भी बताऊंगा
और मैं आपको आने वाली वीडियो में हर किस्म के जो हमारी कुकिंग है, बेकिंग स्टोव, जो स्टोव की स्टोव वाली होती है, हमारे चूल्हे वाली होती है कुकिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरा दूसरा चैनल कलर क्लाउड के नाम से, ग्राफिक एंड आर्ट का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।